अपनी फोटो है, अजीब लगेगा फैमिली फोटो के बीच में कोई बाहर वाली। वैसे तुम बहुत बहुत सारे टैलेंट है इसमें, म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजाता है, गिटार बहुत अच्छा बजाता है, तो फोटो बहुत अच्छी खींचता है बेटा। डंडे वाला कैमरा, डंडे वाला कैमरा मुन्नीलाल। अरे साइलेंस करेगा क्या कोई? शादी हो रही है तो पगड़ी तो बांधनी पड़ेगी, उसके ऊपर सेहरा भी आएगा। तो मॉम ने दूल्हा बनने का रिवाज सर चल गया, मतलब एक तरह से रजत ही बार बार दूल्हे बन रहे लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, क्या बात है? लगता है कुछ उसके ग्रह व्रह ढीले चल रहे हैं, होने जाती है रह जाती है, सगाई हुई तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, देखते हैं अभी शादी में क्या होता है। बट ये आपके इश्क का क्या लफड़ा है, मतलब आप इश्क किसी और से करते हैं और शादी किसी और से होने जाती है, शादी बोलने काफी सारा ड्रामा, इस बार भी कुछ होने वाला है ऐसा हमने सुना है। हाँ, इस बार ये शादी इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे रजत के साथ हुआ है उसे गद्दार का इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर, सो ही एनी विच वेज थिंक्स कि अन्नू ने उसकी सीडी चुराई थी और उसने ये सब किया है,
तो उसका प्यार व्यार से विश्वास उठ चुका है. उसके मॉम डैड ने उसको बोला कि तुम करिश्मा से कर लो, वो लड़की तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही है. उसके डैड ने मुझे वहाँ से बचाया भी. तो नॉट थिंकिंग मच, और करिश्मा से शादी करने जा रहा है रजत. लेकिन फिर आप शादी जब हो ही रही है तो हमने सुना है यहाँ पर काफी ड्रामा आने वाला है, और एंड क्या होगा प्रेडिक्ट तो हमें नहीं करेंगे, लेकिन आप ही बताइए क्या होने वाला है। फिलहाल बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और एंजॉय करें, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस फैक्टर है उसमें, क्या होने वाला है, शादी होती है कि नहीं, किससे होती है. सो अगर वो देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. और आपके लिबास की बात करें, आपके इस दूल्हे लिबास की, तो वाकई काफी बढ़िया है, सिंपल एंड सोबर, क्या कहना चाहेंगे? शादी सुबह ही पता चला कि शाम को शादी है. इसलिए सिंपल शेरवानी, सिंपल कपड़े, और इस तरह रजत तैयार हो गया. बस रजत का इस वक्त ऐसा है कि शादी कर लो ठीक है, मंडप में बैठ जाओ ठीक है, फोटो खिंचवा लो ठीक है. और यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब सारे फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन आपके मन में से कुछ और ही चल रहा है, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, या काफी मतलब कहते हैं सैड। सैड है, थोड़ा गुस्सा भी है, अनु के ऊपर गुस्सा है, लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं रजत के. सो ही इज नॉट हैप्पी विद द मैरिज, बट ही इज गेटिंग मैरिड. चलिए, थैंक यू, थैंक यू। यू आर वेलकम. ऑफ कोर्स ही डजंट लव करिश्मा. उसका प्यार व्यार से अभी वैसे ही विश्वास उठ गया है. ही इज गेटिंग मैरिड टू हर बिकॉज उसे उसकी फैमिली ने कन्विंस किया है कि ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारी हेल्प कर रही है, इसके पापा ने तुम्हें बचाया. तो जो उसके घर वाले बोल रहे हैं वो कर रहे हैं. सो फिर रजत के प्यार का क्या, अनुष्का का क्या होगा? फिलहाल रजत को लग रहा है कि अनुष्का ने उसे उसके उसके साथ ठीक नहीं किया. जो भी ये उसका उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो उसकी वजह से लगा है. सो राइट नाउ ही इज़ पेन्ड, हार्ट एक है उसका, तो प्यार व्यार उसे लग रहा है कि ख़त्म हो गया. शादी की शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी सारा ड्रामा होने वाला है, और होपफुली एंड भी अच्छा हो। ड्रामा बहुत सादा है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मज़ा आएगा, थोड़ा सस्पेंस है ये है. सो कीप वॉचिंग शास्त्री सिस्टर्स. थैंक यू, थैंक यू। यू आर वेलकम.